आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले आपके साथ टीचिंग पोस्ट लाइक प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो रिलीज करी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी रहेगी, परमानेंट पोस्ट है तो अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो आपका सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा जाएगा एंड सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहे हैं आपके। प्लस कोई एप्लीकेशन फीस डिमांड नहीं करी गई अगर आप बिलोंग करते हो कैटेगरीज लाइक SC ST PWD एंड वुमन एप्लीकेंट हो इन एनी कैटेगरी, तो आपके कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी। प्लस यहाँ पे डिपार्टमेंट अच्छे सारे हैं, अगर आप भी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से पोस्ट सर्च करो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी एडवर्टीजमेंट रिलीज करी गई है। यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा रिसेंट अपडेट्स का, तो यहाँ पे आपको अपनी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आई थिंक 18 अक्टूबर को रिलीज़ करी गई है, तो आप यहाँ पे आपको बटन्स मेंशन कर रखे हैं प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अब जैसे इन पर क्लिक करोगे आपको वो डायरेक्ट कर देंगे अपनी नोटिफिकेशन पे, तो यहाँ से आप अपना नोटिस डाउनलोड कर सकते हो एज वेल एज यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। लाइक 18 अक्टूबर को ही आपकी नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना नोटिस डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपके लिए दोनों चीज़ें डाउनलोड कर रखी है, एडवर्टाइजमेंट भी एज वेल एज आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी। तो पहले डिस्कस करते हैं कौन से पोस्ट रिलीज हुई है, कहाँ से रिलीज हुई है, लास्ट तक क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस रहेगी, फिर मूव ऑन करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे मेंशन कर रखा है लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 14 नवंबर, तो टाइम काफ़ी मिल रहा है आपको अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्लीट अपना पोस्टल एड्रेस मेंशन कर रखा है, आप उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराओगे। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी 1000 रुपीज़ फॉर कैटेगरीज लाइक अनरिजर्व्ड ओबीसी, ओबीसी की नहीं ईडब्ल्यूएस की, एंड 500 रुपीज़ फॉर SC ST एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, लिंक आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा यहाँ पे 19 अक्टूबर से लेकर 14 तक। आपको अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ऑनलाइन ही पे करनी है। उसके बाद आता है आपकी कौन कौन सी पोस्ट है। तो वैकेंसी यहाँ पे 3 टाइप की रिलीज़ करी गई है, प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो फर्स्ट है आपकी प्रोफेसर की, इसमें आपको सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं लाइक केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, जॉलॉजी एंड बंगाली। उसके अलावा भी सब्जेक्ट्स है लाइक इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, बीएड एंड स्पेशल एडुकेशन। ठीक है, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन करें कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर कितनी होगी। जहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व के अंदर एक पोस्ट रिलीज हुई है वहाँ पे कोई और कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिर्फ एक क्लोज होता है, उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है एसोसिएट प्रोफेसर का, इसमें आपको सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं लाइक बॉटनी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, बंगाली, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एडुकेशन, बीएड स्पेशल एडुकेशन। ठीक है, सब टोटल हो जाती है यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 9। उसके अलावा एक पर्टिकुलर अनरिजर्व कैटेगरी में 9 है, उसके अलावा हर कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं लाइक कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, बीएड एंड बीएड इन स्पेशल एडुकेशन। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स से पोस्ट रिलीज करी गई है, प्रोफेसर में 19 एंड एसोसिएट प्रोफेसर में 16। ठीक है, ये क्लियर हो गया, एप्लीकेशन फीस हो जाएगी आपकी क्लियर। मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपको मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। सपोज अब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो सीरियल नंबर 1 to 4 के लिए ये क्वालिफिकेशन रहेगी, 5 to 6 के लिए डिफरेंट होगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है। ठीक है, लाइक अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर स्पेशल एडुकेशन तो मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, डिजायरेबल में रहेगा, PhD नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस MEd की भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हो। मोस्टली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अपना होना चाहिए मास्टर डिग्री, प्लस आपके पास नेट या स्लेट कुछ एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बीएड या बीएड इन स्पेशल एडुकेशन में अप्लाई कर रहे हो तो बीएड या फिर एमएड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें मेंशन कर रखी है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर रीड करिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको मेंशन कर रखा है लाइक आपको कैसे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जाएगी, वो चीज़ें हैं, और कोई भी ट्रायल ऑन्स आपकी यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ये सारी चीज़ें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस में देखने को मिल जाएंगी, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन 6 पेजेस की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ब्रीफ में मैंने आपको सब डिस्क्राइब भी कर दिया, लेकिन अप्लाई करते हो तो मेरा सजेशन यही रहता है कि रीड करके अप्लाई कीजिए। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ये आपको फिल करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। बहुत इजी प्रोसेस रहेगा, अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, कितने मार्क्स आए हैं, 10+2,
एंड सो ऑन। उसके अलावा आपने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं, पीएचडी कर रखे हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट है आपके पास या कुछ एक्सपीरियंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली बताइएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।